हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक दसवीं फेल युवक ने ई शॉपिंग साइट अमेजॉन से 1.3 करोड़ रुपए के सामान ठग लिए। अमेजॉन ने इस युवक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि इसने बिना पेमेंट इतने बड़े रकम के सामान कैसे डिलीवर करा लिए। इस मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपए के कीमती सामान के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, 1 एप्पल वॉच, 1 आईपॉड और 4 बाइक जब्त। बसवनहल्ली थाने में दर्ज मामले के अनुसार पुलिस ने 4 लोगों को 25 लाख रुपए के कीमती सामान के साथ धर दबोचा है। इनके पास से पुलिस को 21 स्मार्टफोन, 1 लैपटॉप, 1 एप्पल वॉच, 1 आईपॉड और 4 बाइक जब्त किया है। 25 साल के दर्शन इलिया ध्रुव ने अपने दोस्तों को महंगे सामान ऑर्डर करने को कहा था। पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी के इस मामले को सितंबर 2017 सेकंड लेकर फरवरी 2018 के बीच अंजाम दिया गया। इन 6 महीनों में अमेजॉन को 4,604 ऑर्डर मिले। सारे ऑर्डर चिकमंगलूर शहर से किए गए थे। दर्शन करता था सामान की डिलीवरी, एक दंत कुरियर कंपनी में करता था काम। इन सभी सामानों की डिलीवरी दर्शन ने की थी। अमेजॉन का एक दंत कुरियर कंपनी से सामानों की डिलीवरी और पेमेंट लेने का करार था। दर्शन इसमें बतौर कुरियर बॉय काम करता था। इसके लिए अमेजॉन ने पेमेंट वगैरह और डिलीवरी से संबंधित अपडेट के लिए दर्शन को एक टैब दिया था। पुलिस को अमेजॉन ने यह शिकायत दर्ज कराई जब उन्हें तिमाही ऑडिट के दौरान इस हेराफेरी की जानकारी मिली। जानकारी के बाद अमेजॉन अधिकारियों ने अपनी सभी डिटेल के साथ बसवनहल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। अब पुलिस जांच कर रही है। पेमेंट सिस्टम के साथ की गई है छेड़छाड़, बिना भुगतान भी पहुंच रहा था अलर्ट। पुलिस यह पता करने में जुटी है कि करोड़ों रुपए की इस हेराफेरी को दर्शन ने कैसे अंजाम दिया है। अभी बताया जा रहा है कि दर्शन ने भुगतान प्रणाली में कोई छेड़छाड़ कर दी थी, जिससे पेमेंट न मिलने के बावजूद अलर्ट पहुंच जाता था। पुलिस ने फिलहाल दर्शन से टैब जब्त कर उसे फोरेंसिक लैब भेज दिया है। लैब इस मामले की जांच करेगी कि कार्ड द्वारा किए गए भुगतान की किस प्रकार हेराफेरी की है। इस मामले में अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा है। साथ ही इस मामले में फरार चल रहे 2 और लोगों की तलाश जारी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।